Hey guys, good morning and welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. So friends, किसी ने मुझे comment किया था दी job के बारे में अपना daily routine share करो. तो सुबह इतना rush रहता है यार, इतनी बार सोचा मैंने लेकिन कभी हो ही नहीं पाया. तो मैंने कहा चलो start कर देते हैं एंड आप लोग को दिखाते हैं कि मैं जॉब के टाइम में सब कुछ कैसे मैनेज कर पा रही हूँ. थोड़ा हैक्टिक हो जाता है बट ईजी, मतलब हो जाता है यार. सो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, आपको लग ही रहा होगा मेरे फेस से. एंड अभी 7 बजे का अलार्म लगाया था बट 2 बार बज चुका है, तो 7:15, 7:20 कुछ हो रहा है. और रात में ना हम ये फेरी लाइट जला के सोते हैं, तो रूम में उतना उजाला चाहिए नहीं होता, थोड़ा सा चाहिए होता है. तो रात में ही जलती है, तो सबसे पहले उठते ही इसको बंद करती हूँ. अलाउड चल रहा होता अलाउड को बंद करती हूँ और दोनों लाइट्स ऑन करती हूँ. चलो हम अपना काम करते हैं. यार अब व्लॉग ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसे होने वाला होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना. चलो ये बंद हो गया मेरा. और पहले तो इसको बंद करती हूँ ना, मैं अपना फोन चार्जिंग में लगा लेती हूँ. और उठने के बाद, एक बार उठ गया ना फिर तो रेस्ट लेना ही नहीं है. तो उसके बाद पहले मैं करूँगी डस्टिंग, और डस्टिंग करने के बाद मैं तुरंत पूरे रूम में झाड़ू लगाने वाली हूँ. सो आप लोग बस देखो चुपचाप से, मैं म्यूज़िक डाल रही हूँ ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है. ओके, तो मैं इसको सेट कहाँ करूँ? क्या तुम यहाँ रुकोगे यार? चलो गाइस, डस्टिंग करते हुए तो आप मुझे देख ही चुके हो. फटाफट डस्टिंग करके और झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. और अभी कूड़ा ही देखो कितना हो रखा है रूम में जी. और दिखेगा क्या, एक तो डार्क है. चलो कर लेते हैं ना, वरना लेट होगा. बाय बाय. झाड़ू लगा दिया, पूरा क्लीन कर दिया. अब बस जाऊंगी फटाफट से, नहाऊंगी, हेयर वॉश करूंगी. थोड़ा बहुत जो कपड़े हैं, पहले मैं हेयर वॉश कर लूंगी, फिर मैं मास्क लगा के छोड़ दूंगी. उसके बाद मैं फ्रेश होंगी, ब्रश करेंगे, फेस वॉश करेंगे एंड कपड़े वपड़े धोएंगे. तब तक 10 मिनट आराम से हो जाता है. तो चलो मिलती हूँ मैं आपको नहा के आने के बाद में, ठीक है? सो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया, हेयर वॉश भी कर लिया. और आज जानबूझ के मैंने ये पहना, पिछले व्लॉग में भी मैंने ये पहना था, क्योंकि इधर इसकी स्लीव्स ना थोड़ा इतनी है. और मुझे आज शाम को जाना है मेहंदी लगवाने, तो बाकी जो मेरे वुलन है उनकी फुल स्लीव्स है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी ऊपर करने में. ये ठीक रहेगा, इतना रहेगा, यहीं पर से मेहंदी लगवानी है मुझे, तो इसलिए मैंने पहना है. ये मत कमेंट करना कि बार बार वही पहन लेती हूँ, क्योंकि आते हैं मुझे ऐसे कमेंट्स भी. तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया और नहा चुकी हूँ मैं. देन अब जा रहे हैं बाहर कपड़े फैलाएंगे. कपड़े फैलाने के बाद में सीधा किचन में. आज ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाएंगे, मम्मी ने रात में तहरी बनाई थी तो वो रखी है, तो टिफ़िन में मैं वही लेके जाऊंगी. और ब्रेकफास्ट के लिए मैं ब्रेड सैंडविच और फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाली हूँ फटाफट वाला. तो हमारे पास फ्रूट पड़े हैं ना, ऐसे डालो तो उसे पड़े रह जाते हैं, तो कस्टर्ड एक ऐसी चीज़ में डाल दो तो यूज़ हो जाते हैं. हियर मेरी रिंग लाइट. और बाय द वे आज है 7th of December और कल 8th December है. कल मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी है, तो उसके लिए भी मेहंदी मुझे चाहिए. एंड 9th December को ऑब्वियसली हमारी एनिवर्सरी है, 2nd anniversary, तो उसके लिए स्पेशली मुझे मेहंदी चाहिए थी. लेकिन एक दिन पहले उसकी शादी है, तो मैंने कहा आज ही लगवा लेते हैं, बिकॉज 2 दिन तो आराम से चली जाएगा. आज वैसे भी इस ऑफिस से आने के बाद में मैं रात में लगाऊंगी उसको, जाके लगवाऊंगी. इस बार मेरा खुद से लगाने का मन नहीं है, हर बार तो खुद से लगाते हैं. सो ये इधर मेरे गीले वाले कपड़े टंगे हुए हैं सारे, तो चलो अब जल्दी से कपड़े फैला लेते हैं एंड देन चलते हैं कुछ बनाने. लेट्स गो. तो ये है मेरे कुछ डेली वेयर्स. पीछे गार्डन है, इधर धूप बहुत अच्छी आती है. धूप आ चुकी है, मेरे फेस पर पड़ रही है, तो चलो फटाक से कपड़े फैला लेते हैं निकले. नहीं, दिसंबर आ गया है बट उतनी ठंडी नहीं हो रही, ना कोहरा हो रहा है ना ठंडी हो रही, लग ही नहीं दिसंबर है.
और मुझे लग रहा है ना इस बार ना पीछे वाली ठंड होगी, मतलब जनवरी लास्ट तक उधर ठंडी पड़ेगी। तो गाइस जल्दी से चलते हैं करके। चलो गाइस चलते हैं। और अभी बाल मेरे कुछ ज़्यादा गीले हैं, मैं वैसे ब्लो ड्राई यूज़ नहीं करती हूँ, एयर ड्राई होने देती हूँ, क्योंकि एक तो केराटिन रिबॉन्डिंग इतना कुछ हो रखा है, हम ब्लो ड्राई यूज़ करेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो अभी बाल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे ना, देन मैं उसमें सीरम अप्लाई करूँगी। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस किचन में जाना है। एंड बैक। बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, मैंने कट कराए थे उससे थोड़े से बड़े हो गए हैं। चलो चले गाइस। तो फ्रेंड्स इतने सारे कुछ फ्रूट्स हैं, वैसे मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बनाना और एप्पल ही डालने वाली, क्योंकि बनाना थोड़ा गीला ख़राब हो गया तो दूध में पता नहीं चलेगा। और मैं फ़ोन को जा रही हूँ अपने चार्जिंग में लगाने, 20% बैटरी है। तो जितनी देर मैं किचन में रहती हूँ, मतलब अपने ब्रेकफास्ट मतलब लंच पैक करूँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, चाय वगैरह। तो आज चाय तो नहीं, आज तो कस्टर्ड है तो चाय नहीं। तो मैं फ़ोन जा रही हूँ अपनी चार्जिंग में लगाने, और थोड़ा ये सब निपटाने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के बाद में जब जाऊँगी ना तब आपको मैं मिलती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया और कितने बज गए, 8:25 हो रहा है। तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, 9 बजे मैं चाहती हूँ कि खा पी के मैं बैठ जाऊँ और 9:20 तक मैं निकल जाती हूँ। तो यस, हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। फ्रेंड्स हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, ये रहा मेरा सैंडविच एंड चाय, एंड ये रहे मेरे हबी, हबी से हाय। तो अब फटाक से खाते हैं यार, 9:05 हो गया है, तो मेरे पास हैं अभी बस 15 मिनट। तो मैं 10 मिनट में खाऊंगी, 5 मिनट में मेकअप करूंगी फटाफट वाला, और देन हम निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक रहता है। मुझे पहुंचने में लगता है 35 मिनट सुबह और 45 मिनट रात में, क्योंकि गोमती नगर फन मॉल का जस्ट पीछे है। तो विज़िट करना चाहते तो बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं, इट्स वाइब्स के नाम से है, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट। और ऑफिस में आज के मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा है, अगेन पूरा अच्छे से दिखाऊंगी आज, ओके। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मैंने बहुत लेट हो जाएगा। ये लड़की हाँ क्या देख रही, वो भी छुपा ली। खुलते ही हमारा ऑफिस आ गया, देखा 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 9:59 हुआ है अभी। हम लेट नहीं है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं 1 मिनट पहले। गुड मॉर्निंग भीम, हाय बोलो। बोलो है, हाय कि कहाँ तुम कर रही हो, तुम कर कहाँ रही हो? तुम मेरे व्लॉग में आ रहे हो यूट्यूब पे। आ तैयार हो गए, हम तो बड़े सुख से दिख रहे हैं। सो अभी हम चेंज करेंगे एंड पहनेंगे पाइप्स। तो मैं मिलती हूँ आपको वाइब्स के कपड़ों में। अब
तो मैंने चेंज कर लिया है फ्रेंड्स, और ये हम पहनेंगे शाम के 7 बजे तक, क्योंकि 10 to 7 हमारा टाइम है और 7 o'clock पर हम चेंज करके जाएंगे। सो आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि कल मेरा ऑफ है, तो वीकली 1 ऑफ मिलता है हम लोगों को। एंड चलो कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाती हूँ, अपने स्टाफ से मिलवाती हूँ मैं आपको आज। अच्छा तो लग रहा है। हेलो बोलो। हेलो बोलो सबदी। हेलो। और ये हमारी चाइनीज बिल्ली। हूँ पहले से चाइनीज। ये यहाँ पे डाइटिशियन है। ये हमारे मैनेजर सर, एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया। दिस इज द लेजर रूम। यहाँ पे हम अपन मतलब यहाँ पे डॉक्टर मैम लेजर करते हैं। एक ही रूम खाली पड़ा हुआ है, एंड दिस इज मेनी पेडी रूम। सलीम हाय बोलो। हाय। गजरी हाय बोलो। हाय। कोई नहीं, व्लॉग है। कौन है बोलो? ये हमारे हेयर ड्रेसर हैं। कपड़ा लेके आ। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे सब पेनेट्री से। ये हमारा मेनी पेडी का सेक्शन, एंड यहाँ पे हम PRP भी करते हैं। दीज थिंग्स वी डू, सलून सर्विसेज वी डू यूट्यूब पे, एंड दीज थिंग्स वी ऑल्सो डू। यहाँ पे ये सब कुछ होता है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कम एंड रीच हियर। थैंक यू। हाय बोलो। हाय। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम करते हैं वेट लॉस सेशन। ये कौन सी मशीन है तो पता भी नहीं है। FDS इधर बताओ, हम भूल भी जाएंगे। हम कौन सी मशीन है बताओ? ये हमारी FDS है, वाटर रिटेंशन के लिए। ठीक है। ये हमारी रिलैक्सिंग के लिए मशीन है, वेट लॉस इंच लॉस के लिए। ठीक है। और S1 S2 किसको कहते हैं? ये हमारी S2 है और ये हमारी S1 है। अच्छा ठीक है। इस रूम में भी भाई है, आ रही है करिश्मा जी। ये तो बंद है, सेम यहाँ पे उसको मिलवा चुके हैं। एंड यहाँ पे देते हैं हम लोग थेरेपीज इस वाले रूम में। सो ऑल द मशीन्स आर हियर, सारे थेरेपीज यहाँ पे होते हैं, एंड इट इज फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन। एनीवन कैन कम एंड रीच हियर। यानी हेलो बोलो, ऐसे वाला बोलो। टेप छोड़ा, यही बचा था भाई। ये हैं हमारे ज्ञानी जी। ये करोगे क्या तुम सेलो टेप? अरे नोट फटी लेके चले आए, देखा ही नहीं करिश्मा की। हाँ का 50 rupees की थी। यस गाइस, ये हैं हमारे पेनेट्री मैम। तो सो हमारे पास तो हैं 2 पेनेट्री, एंड जो कि गायत्री एंड ज्ञानी, और ये है हमारा एक डर्मेट रूम। तो जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ये देखो पूरा ट्रॉली पे सब मेडिसिन है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तो वो है। एंड दिस इज दिस, और ये हो गया कंप्लीट मेरा पूरा ऑफिस टूर। सो अभी हम रहेंगे यहाँ पे शाम के 7 बजे तक। सबसे मैंने आपको मिलवा दिया है, वैसे तो क्लाइंट्स बैक टू बैक लगे हुए हैं, स्लॉट्स भरे हुए हैं, तो अब आना शुरू होने वाला है। तो इसको मैं वाइंड अप करती हूँ और मैं वापस आपको घर जाते टाइम मिलूँगी, क्योंकि मुझे शाम को मेहंदी लगवानी है। सो फ्रेंड्स, आई एम अगेन बैक फ्रॉम ऑफिस और बज रहे हैं 8। अब हम जाएंगे मेहंदी लगवाने। मैं आ गई, तो अभी हम जाएंगे मेहंदी लगवाने, और लेट हो गया है तो जल्दी से निकलते हैं वरना बंद हो जाएगा। मतलब पता नहीं कितना टाइम बंद होता है, 9:30 तक तो बंद ही हो जाता होगा। तो अभी फटाफट से जाते हैं वहाँ पे। तो चलो थोड़ी सी गेम्स दिखा दूँगी मैं आपको। Thank you.
पॉइंट्स लग गई है मेरी मेहंदी और काफ़ी अच्छी लगी है। बहुत स्पीड में लगाया था उन्होंने, मतलब 45 मिनट्स में लग गई थी मेरे, दो लोग लगा रहे थे तो जल्दी लग गई। सो यस गाइस, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फिर से दिखा दूँ, आई जस्ट लव दिस, बाय।